आज अनेकों जगहों पर देखा जाता है कि लोग छोटे से भक्ति भाव गीत हुए वहाँ नाचने लगेंगे, हमें देवी जी आ गई, हमें ये आ गया। एक चीज़ प्रथम आपको सभी लोगों को जो यहाँ बैठे हुए मेरे कार्यकर्ता भक्त, हमेशा इस चीज़ को आप ध्रुव सत्य मान करके चलिएगा। कभी कोई देवी देवता किसी के सर में सवार होकर के अभुआते नहीं, किसी के सर में सवारी नहीं करते। अगर ऐसा कहीं पर भी हो रहा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ आप आडंबर मानेंगे, या तो वह मानसिक रूप से पागल होगा, या किसी भूत प्रेत के यौन से प्रभावित होगा, या फिर वह नाटक कर रहा होगा। तीन बातों में ही कोई ना कोई बात होगी। अतः इसे सब सजग रहेंगे। माँ हर कण कण में व्याप्त है और सकता है कि सिर्फ महसूस करो कि हम माँ के पुत्र हैं, हम माँ के अंश हैं, उस माँ से हमारा घनिष्ठता का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और सकता है हम जो भटक गए हैं उस भटकाव की यात्रा को दूर करके हम सही मार्ग पर बढ़ जाएं। और उसके लिए आपको यहाँ से ज़्यादा सहज सरल जो मार्ग मिला है कि माँ के गुणगान को करो, अपने जीवन को परिवर्तन करो, करो आत्मकल्याण और जनकल्याण की प्रबल भावना अपने अंदर रखो। आत्मकल्याण और जनकल्याण की प्रबल भावना में ही आपका कल्याण छिपा हुआ है। जब आप जनकल्याण कर रहे होते हैं तब भी उसमें आपका कल्याण छिपा हुआ होता है, क्योंकि परोपकार करने से ही आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहती है, आपकी चेतना तरंगे हमेशा प्रभावक बनी रहती हैं। जिस तरह एक ठहरा हुआ जल दूषित हो जाता है, एक प्रवाहित जल कभी दूषित नहीं होता, उसी तरह जब आप परोपकार में अपनी चेतना तरंगों को, अपने सामर्थ्य को, अपने भावों को आप परोपकार में लगाते रहते हैं तो आपकी आत्मा का श्रोता बराबर जारी रहता है। और जब आप अपने आप को सीमित कर लेते हो कि बस ठीक मेरे जीवन में समस्याएं आ गई, मैं गुरुवर के चरणों में चला जाऊंगा, माँ के चरणों में प्रार्थना हो जाऊँ, कर दूंगा, बस मेरा तो कार्य चल रहा है, मैं तो माँ की आराधना भक्ति घर में कर लेता हूँ, यह सिर्फ एक ठहराव कहलाता है। चूंकि आत्मा का सहज स्वभाव है परोपकार, लोगों को दूसरों का कल्याण, दूसरों से आत्मीयता का संबंध जोड़ना, तो उस परोपकार की भावना अपने अंदर प्रबल भाव से पैदा करने का प्रयास करो। इसलिए समाज को उस दिशा में बढ़ाने का ये मार्ग तय किया गया है कि समाज उस दिशा में बढ़ सके, वह अपना आत्मकल्याण भी कर सके और धीरे धीरे परोपकार की भावना को लेकर के चले। इसी परोपकार के परिणाम का स्वरूप ही आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। किसी न किसी कार्यकर्ता के माध्यम से आपको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कोई न कोई ध्वनि आपको प्रेरित की, किसी न किसी ने आपको समझाया, कहीं ना कहीं से कुछ शब्द आपके कानों में पड़े और आपके जीवन में परिवर्तन होता चला गया। आप में से अनेकों कार्यकर्ता बन गए, अनेकों साधक बन गए, अनेकों मेरे समर्पित शिष्य बन गए, अनेकों धर्म योद्धा बन गए और उस दिशा में धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हो। इस यात्रा में कोई उतावलेपन की आवश्यकता नहीं है, हर पल अपनी नींव को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। दिखावे के लिए तो अगर प्रभाव पैदा किया जाए तो उसके लिए रास्ते अलग हैं। मैंने कहा मेरे लिए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगर मैं चाहूँ तो दूसरे रास्ते के माध्यम से पूरे समाज में, पूरे विश्व में हलचल मचाने का निर्णय ले लूँ। मगर मैंने कहा यह एक यात्रा मेरे एक जन्म की यात्रा से जुड़ी यात्रा नहीं है। मैं 25-50 साल की उम्र के आधार पर आपकी यात्रा नहीं तय कर रहा हूँ कि बस आपको प्रभाव से जोड़ लूँ और यह माहौल इतना बन जाए कि हाँ एक बहुत बड़ी संस्था चले जो समाज के बीच बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमें समाज देखे या न देखे, हमें सिर्फ वह परम सत्ता देखती रहे और हमें वह कृपा देती रहे कि हमारे कदम जो सत्य पथ पर चले वो और बढ़ते रहें। हमें सिर्फ इसकी प्यास है, इसकी भूख है, इसकी कामना है। अतः केवल एक भाव हो कि हम जीवन में कुछ कर सकें। यह नाशवान शरीर है, हर पल शरीर नष्ट हो रहा है, विषय विकारों में ग्रसित होता जा रहा है। इस नाशवान शरीर का उपयोग करने के आपके अंदर आत्मा में एक तड़प बनी रहनी चाहिए। जो भी थोड़ी आपके अंदर बौद्धिक क्षमता है उस क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करो कि मुझे अपनी पूरी क्षमता लगा करके प्रयास करना है कि मेरे अनेकों जन्म नष्ट होते चले गए, कोई न कोई अगर छोटा सा सौभाग्य मेरा बराबर बना रहा है कि उस सौभाग्य से, उस परम सत्ता की कृपा से मैं इस पवित्र धाम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया, तो इस सौभाग्य में अपने इस जीवन का मैं सदुपयोग करने में सफल हो जाऊँ, ये मेरा जीवन नष्ट न होने पाए। और अगर एक जीवन को मैं सदुपयोग करने में सफल हो जाऊँगा तो मेरा पतन कभी भी नहीं हो पाएगा। उस सोच में जीवन जीने का प्रयास करो, एक भाव में, चिंतनों में, निष्ठा में, विश्वास में, समर्पण में, हर पल वह भाव बना रहे। क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं आपको व्यथित कर देती हैं। आपका मन शांत होना चाहिए, शक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए, निर्भीकता हो, निडरता हो, चैतन्यता हो,
तब आपके हर पल मन में एक आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी।